तबियत खराब है, मैं भी अपने शुगर पेशेंट हूँ साहब, ऐसा परेशान कर रहे लोग। मेरा भी ऑटो है, ले आके अपने डाल दिए, मैं भी खाली मैं ऑटो पानी पीने के आपसे 7:30 बजे लेने आ रहा था अपन मुगलपुरा पानी, ताकि रोक लेके जवान को बिठा के बोले यहाँ तो जवान के संगा जाके आओ, वो जवान उतर के अपने स्कूल के अंदर गाड़ी ढकल देकर जाओ बोल के बोल दिया मेरे को। फिर यहाँ के आदित्य भी करा तो नहीं छोड़े साहब, 3 दिन से अपने बोलते हुए यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ फिलो में, हालांकि ऐसी साहब बोले अपने जाओ छोड़ देते, मैं बोला हूँ बोल के अपने ये लिख के भी दिए, ये तो कौन लिख के दिए, किधर लिख के दिए, ये पेपर भी बताया मेरे बीवी के, अपने बोलते वो हाथ पैर गिर गया दवाखाने में, बताना है जाना है शुगर बोले भी तो नहीं नहीं जाओ उड़ाओ यहाँ से उड़ाओ बोल के अपने बाता करके अपने जवान को बोले अपने उड़ाओ यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। एसीपी की चिट्ठी किसको बताया अभी सर्कल साहब को बताया, एसआई साहब को, एसआई साहब को पता। अच्छा नहीं देखता मैं ये चिट्ठी उठी नहीं देखता, उनको मेरे को फोन करो बोलो, मैं नहीं फोन करता बोले। दो तारे वालों को बतलाए थे आप, तीन तारे वालों को? नहीं नहीं दो तारे है कि एक तारा की सामने थी, तीन तारे वाले तो अपने जल्द जल्द या नहीं देखता नहीं बात करता, अपने को तो गाड़ी नहीं छोड़ता बोल के भेजती है। अभी भी वैसे बोले तुम्हारा ऑटो नहीं छूटता लॉकडाउन में, अरे मौला मेरा बीवी का तबीयत खराब है, पाई हाथ पे नहीं है। ठीक है आपका नाम? मेरा नाम सैयद शब्बीर हुसैन जाफरी है। कहाँ रहते आप? मैं पंजाबन कॉलोनी पोस्ट ऑफिस की गली में। वाला हूँ मैं जो है ना, ऑटो ले लेके मेरा पैसेंजर ऑटो ले लेके मैं जो है ना उस्मानिया हॉस्पिटल जा रहा था, मेरे को हाई बीपी है, अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, घर में भी बोल के निकला मैं जा तो अकेले पकड़ ले रहे गाड़ी ख़राब है बोल के, टू व्हीलर लेने के निकला मैं ऑटो लेके निकला, पुरानी हवेली चौरस्ते पे जो है ना एक होमगार्ड रोक दिए मेरे को, रोक के ऑटो साइड में ले लिए, तो मैं सामने साथ में दवाखाने को जा रहा हूँ बोले तो पेशेंट कहाँ है रे क्या बात कर रहा ऑटो चला रहा तू चल बोल के भेजिए, तो मैं सही एसआई साहब से जाके रिक्वेस्ट करने गए तक के ऑटो ले लेके चले गए। फिर भाई एसआई साहब को आके वापस आके बोला साहब मेरा ऑटो भेज दिए, ऑटो में मेरे रिपोर्टा हैं क्या बताऊँ मैं, ऑटो में मेरे दवाखाने के रिपोर्टा हैं, मैं पेशेंट हूँ, मेरा नाम अकबर खान है, चिट्ठियाँ भी देख ले सकते हैं, हाई बीपी का पेशेंट हूँ भाई, बोलने के बावजूद भी साहब ने सुने। फिर रिक्वेस्ट करने के ऊपर मैं सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर मैं दवाखाने का पेशेंट हूँ सर, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हाई बीपी है मेरे को बताने जा रहा हूँ, लास्ट जो है ना 2 महीने से 3 महीने से मैं कंटिन्यू गोलियाँ खाता हूँ मैं हाई बीपी के, आप अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी दुरेश्वर हॉस्पिटल से जाके चक्कर लेके भी आपको लेके आके हाई बीपी है ही नहीं है मालूम पड़ जाता, आपको लेके आके एक रिपोर्ट बोले तो अभी भी देता हूँ बोला मैं, बोलने के बावजूद भी उन्होंने गाड़ी क्या करे ऑलरेडी गाड़ी भेज दिए थे धर्मावन कॉलेज में, समझे आप। एसआई साहब को सर्कल साहब को बीर चौक पुलिस स्टेशन में मैं आके बोल रहा हूँ, तीन महीने पहले की रिपोर्ट क्या बता रहा हूँ, यहाँ दवाखाना लोकल में नहीं है खुला, चलिए क्या बता रहा बोल के उन्होंने वापस कर दिए रिपोर्ट। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ लोकल में कौन से ऐसे प्राइवेट दवाखाने खुले अलाउड नहीं है, कोई एरिया में प्राइवेट दवाखाना खुला नहीं है, जो भी मरीज़ हो रहा जो भी पेशेंट हो रहे वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाओ बोल रहे, सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलाउड कर रहे। मैं तो उस्मानिया के मैं आपको फर्स्ट मंथ से लेकर थर्ड मंथ तक के मेरे पास स्लिपां रखे हुए, मैं ये मेडिकल यूनिट में बताता हूँ उन लोगों लिखते हैं वहाँ से जो है ना, मैं बीच में थर्ड मंथ में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो संडे के दिन डेट भी है देखिए इस पर ECG भी निकाले ये रिपोर्ट है, ये देखिए तीसरे महीने में ज़्यादा सीरियस हो गया तो मैं इमरजेंसी में बताया, ये ECG निकाले जब मेरा, ये भी वही तारीख का है देखिए यहाँ पर तारीख भी लिखी गई है, उसके बावजूद भी जो है ना मैं बताने जा रहा हूँ साहब हाई बीपी है मेरे को तबीयत बहुत ख़राब हो रही, बोले तो गाड़ी सीज कर दिए रिलीज कर दो साहब मेरे पास, मैं ओरिजिनल लाइसेंस मिस हो गया, ओरिजिनल लाइसेंस दिए RC नहीं है, RC फाइनेंसर के पास है, फाइनेंस की है गाड़ी, लाइसेंस मेरे पास है नहीं ओरिजिनल मिस हो गया, जो जेरोक्स दे देता हूँ साहब जेरोक्स पे गाड़ी रिलीज कर दो बोला, बात ही नहीं कर रहे सर, लिख दिए छोड़ दे रहे हो गया। और एक ऑटो और एक जो है ना सर्कल साहब को जो है ना हमें रिक्वेस्टेड बताया सर मैं हाई बीपी है मेरे को सर, सर्कल साहब बोल रहे लोकल एरिया में दवाखाने में बता लेना बाबू उस्मानिया जाने की क्या जरूरत है, तू रहता फलकनुमा में उस्मानिया क्या जरूरत है जाने की तेरे को, बोला सर लोकल एरिया में कौन से दवाखानों की परमिशन दी है बोलो, कौन दवाखाना खोल रहा, कोई दवाखाने को कोई पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कहीं कोई एरिया में दवाखाने खुले नहीं है, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही खुले है लॉकडाउन के जब से, फिर जाएंगे कहाँ आदमी बीमार पड़ के मर जाना घर में, आखिर दवाखाने को भी गए तो रहम नहीं करेंगे क्या। सर्कल साहब को आके बोला गाड़ी रिलीज़ कर दो साहब हाई बीपी का पेशेंट हुई है मेरे रिपोर्ट से, लास्ट टाइम मैं मेडिकल यूनिट में बनाता हूँ मैं पहले, उसके बाद में मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ा लास्ट मंथ, ये तीसरे महीने की रिपोर्ट है मेरी, इसके बावजूद भी इन्होंने छोड़ रहे हैं, मैं उस्मानिया जा रहा हूँ बोले पूछने भी मौका नहीं दे रहे,
गाड़ी पकड़ लिए, लेके जाके भेज भी दिए, नाम बोलो। अरे साहब मैं ही पेशेंट हूँ। पेशेंट तुम कहाँ से रहते? मैं ऑटो ड्राइवर, ऑटो चला लेते जाते। अरे मैं बोला क्यों नहीं जाते साहब, मजबूरी में कुछ भी कर सकता इंसान, हाई बी पी है मेरे को, घर वालों को लेके निकले तो कहाँ निकला बोल के पकड़ ले रहे आप लोग, करना क्या इंसान बोलो आप। हाँ छोटी छोटी बातों का इशू कर दिए तो कैसा बोलिए आप। सर्कल साहब बोल रहे ये डुप्लीकेट है कहते, ये मेरे घर से छाप के तो नहीं लाया हमें, ये उस्मानिया दवाखाने की रिपोर्ट है, मैं घर से नहीं छापता, ये उस्मानिया दवाखाने की, ये देखिए आप लोग, ये मेडिकल यूनिट के फर्स्ट मंथ से लेके सेकेंड मंथ के थर्ड मंथ, अभी फोर्थ महीने में नहीं गया, गोलियां खा लेके जिला रहा था गोलियां। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश सुप्रीम फार्म लाइफ, जहां सुकून और खुशियां बाहें फैलाए आपके मुंतजिर, नकद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें।